हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में एसी सर्किट ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये आज एसी सर्किट का 8th लेक्चर है। तो जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है उसके लिए क्वेश्चन ये रहेगा, द साइनोसाइडियल वोल्टेज अप्लाइड टू अ सर्किट ऑफ अननोन इम्पिडेंस इज वी इक्वल्स टू 325 साइन ओमेगा टी एंड द करंट इज आई इक्वल्स टू 7 साइन ऑफ ब्रैकेट में ओमेगा टी प्लस 63 डिग्री। हैंस फाइंड फर्स्ट आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट, सेकंड अननोन इम्पिडेंस, थर्ड पावर फैक्टर एंगल, कमेंट वेदर द करंट इज लैगिंग और लीडिंग विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम वही फार्मूलिस का यूज करेंगे जो हमने इसके पहले के लेक्चर्स में बताए थे। तो चलो हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन में क्या डाटा दिया है वो हम पहले लिख लेंगे एज अ गिवन डाटा, देन आफ्टर इसका सोल्यूशन बनाएंगे। क्वेश्चन हमने आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन डाटा। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको गिवन डाटा लिखना कंपलसरी होता है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है देखिए, द साइनोसाइडियल वोल्टेज अप्लाइड टू अ सर्किट ऑफ अननोन इम्पिडेंस इज, यहां पे वी दैट इज वोल्टेज का इक्वेशन दिया है, तो हम यहां पे वोल्टेज का इक्वेशन लिख लेंगे, दैट इज वी इक्वल्स टू 325 साइन ऑफ ओमेगा टी, ये वोल्टेज का इक्वेशन दिया है। ओके, एंड द करंट इज, अब देखो करंट आई का भी इक्वेशन दिया है तो ये हम लिख लेंगे, करंट आई इक्वल्स टू 7 साइन ऑफ ब्रैकेट में दिया है ओमेगा टी प्लस 63 डिग्री, ऐसा दिया है। ठीक है, यहां पे एंगल दिया हुआ है 63 डिग्री। और अब इसके बाद जो कुछ भी फाइंड आउट करना है वो क्वेश्चन में आगे लिखा है। तो क्वेश्चन में लिखा है फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करना है वोल्टेज और करंट का, इसका मतलब वी आरएमएस फाइंड आउट करना है और आई आरएमएस फाइंड आउट करना है, यानी आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट। ओके, देन क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, अननोन इंपिडेंस, इट मींस इंपिडेंस यानी जेड फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद क्वेश्चन में लिखा है पावर फैक्टर एंगल, पावर फैक्टर एंगल इसको फाई कहा जाता है, पावर फैक्टर यानी कॉस फाई होता है और पावर फैक्टर एंगल यानी फाई कहा जाता है, तो हम यहां लिखेंगे फाई। तो इतना सब कुछ फाइंड आउट करना है और क्वेश्चन के लास्ट में लिखा है कमेंट वेदर द करंट इज लैगिंग और लीडिंग विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज, इसका मतलब जो भी करंट ये फ्लो हो रहा है ये वोल्टेज को लीड कर रहा है या लैग कर रहा है वो हमें यहां पे लिखना है, हमें उसको लास्ट में कमेंट के थ्रू एक स्टेटमेंट के थ्रू वो हमें शो करना है। तो फाइनली ये गिवन डाटा कंप्लीट हो गया। तो चलो अब इसके थ्रू हम इसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जैसा हमने कहा था कि इसके पहले के लेक्चर में, इसका मतलब लेक्चर नंबर 7 में, ये आज का 8th लेक्चर है लेकिन इसके पहले का 7th लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट था क्योंकि उसमें हमने एसी सर्किट के सभी, सिंगल फेज एसी सर्किट के सभी फार्मूलेज बताए थे। वो फार्मूलेज अगर आपको पता है तो आप कोई भी सिंगल फेज एसी सर्किट का प्रॉब्लम काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वो वीडियो था, तो ये वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, ये जरूर देखिएगा और इसके सभी फार्मूलेज जो हमने बताया है वो आप अपने नोटबुक में जरूर लिख के रखिएगा। वही फार्मूलेज का यूज करके हम आगे आने वाले दिनों के सभी प्रॉब्लम्स उसी के थ्रू सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम भी हम उसी के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व होगा, तो यहां पे क्या क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले वी आर एम एस आई आर एम एस। अब वी आर एम एस आर एम आई आर एम एस फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या बताए थे, देखो हम फार्मूला यहां लिख के देते हैं, अभी भी अगर आपके पास कोई फार्मूला नहीं लिखा है तो लिख के रखो। तो वी आर एम एस फाइंड आउट करने का फार्मूला हमने बताए थे, दैट इज वी आर एम एस इक्वल्स टू वी एम बाय रूट टू, ये फार्मूला हमने लिख के दिए थे। और उसी तरह से आई आर एम एस फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला हमने लिख के दिए थे, दैट इज आई एम बाय रूट टू, ये फार्मूला होता है। अब इसके लिए आपको वीएम और आईएम चाहिए, वीएम यानी मैक्सिमम वोल्टेज एंड आईएम माने मैक्सिमम करंट। तो वीएम और आईएम कहां से मिलेगा, तो उसके लिए आपको वोल्टेज का जो एसी वोल्टेज का जो इक्वेशन होता है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज का इक्वेशन, वो पता होना चाहिए। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज का इक्वेशन होता है वी इक्वल्स टू वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी, ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। उसी तरह से अल्टरनेटिंग करंट का भी स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है आई इक्वल्स टू आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। देखो ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट दोनों के लिए इक्वेशन है, ये इक्वेशन से आपको वीएम और आईएम मिलता है। एक बार आपको यहां से वीएम और आईएम मिल गया तो वो वीएम और आईएम आपको यहां पे पुट करना है और वी आरएमएस आई आरएमएस फाइंड आउट करना है। ठीक है, और अगर आप यहां प्रॉपरली चेक करेंगे, ये जो हमने गिवन डाटा लिखा है इसमें ऑलरेडी वोल्टेज और करंट के लिए इक्वेशन दिया है, इसका मतलब ये देखिए, ये है अल्टरनेटिंग वोल्टेज और ये है अल्टरनेटिंग करंट। आपको सिर्फ क्या करना है, ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज का जो इक्वेशन दिया है इसको ये स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करना है, ये है अल्टरनेटिंग वोल्टेज का स्टैंडर्ड फॉर्म और ये है अल्टरनेटिंग करंट का स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको क्या करना है, ये गिवन इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करना है,
तो आपको आसानी से वीएम का वैल्यू मिल जाएगा। उसी तरह से ये जो करंट का इक्वेशन दिया है, इसको ये करंट के स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर कर लेंगे तो आपको आईएम का वैल्यू मिल जाएगा। और एक बार आपको जैसा हमने कहा वीएम और आईएम मिल गया तो आप वीआरएमएस और आईआरएमएस आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलो यहां पे अब हम सबसे पहले कंपेयर करेंगे। तो ये हम यहां लिख लेंगे, वी हैव क्या दिया हुआ है गिवन, देखो वी हैव वी इक्वल्स टू 325 साइन ऑफ ओमेगा टी। देखो ये हमें वोल्टेज का इक्वेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है और जैसा हमने कहा इसको वोल्टेज के स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करना है, तो हम यहां पे लिख लेंगे कंपेयर इट विथ हमें किसके साथ कंपेयर करना है, तो V इक्वल्स टू Vm साइन ऑफ ओमेगा टी, इसके साथ हमें कंपेयर करना है जो कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज का स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो ये दोनों को कंपेयर करो तो आपको Vm का वैल्यू क्या पता चलता है। तो ये देखिए यहां पे Vm है और यहां पे Vm के जगह क्या लिखा है 325, इसका मतलब ये है कि Vm का वैल्यू हो गया 325। तो हम यहां लिख लेंगे देयरफॉर Vm इक्वल्स टू कितना 325 वोल्ट। तो फाइनली हमें मैक्सिमम वोल्टेज यहां पे मिल गया 325 वोल्ट। लेकिन ये सिर्फ हमने वोल्टेज के इक्वेशन को कंपेयर किए, अब करंट के इक्वेशन को भी कंपेयर कर लो, उससे आपको आईएम का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये गिवन करंट का इक्वेशन है तो हम यहां पे लिख लेंगे ऑल्सो वी हैव आई इक्वल्स टू 7 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 63 डिग्री। देखो जो गिवन इक्वेशन है करंट का वो हमने यहां लिख लिए और अब इसको करंट के स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करना है। ये देखो ये है अल्टरनेटिंग करंट का स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो हम यहां पे फिर से लिख लेंगे कंपेयर इट विथ किसके साथ कंपेयर करना है, तो आई इक्वल्स टू आईएम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस 5 इसके साथ कंपेयर करना है। अगर आप इसके साथ कंपेयर करेंगे तो यहां से आपको क्या पता चलता है, तो यहां से आपको मैक्सिमम करंट आईएम का वैल्यू मिलता है और वो क्या होगा, तो ये देखिए आईएम की जगह यहां पे लिखा है 7, ठीक है, और यहां पे फाइव की जगह यहां पे लिखा है 63 और यहां पे प्लस माइनस है, तो प्लस होता है लीडिंग के लिए, माइनस होता है लैगिंग के लिए, लेकिन यहां पे प्लस लिखा है इसका मतलब करंट वोल्टेज को लीड कर रहा है, इसका मतलब ये है, ठीक है। और यहां पे फाइव का वैल्यू हमें पता चल रहा है कितना 63 डिग्री, तो हम यहां पे लिख लेंगे देयरफॉर आईएम, तो आईएम का वैल्यू हमें मिल चुका है कितना 7 एम्पियर और हमें फाइव भी यहां पे मिल चुका है, फाइव कितना है 63 डिग्री। ये हमने कंपेयर करने से दो चीजें यहां से पता चल रही है। तो फाइनली हमने जैसा कहा कि वीएम और आईएम अब हमें मिल चुका है और अब यही वीएम और आईएम का यूज करके हम ये फार्मूला यूज करेंगे और वीआरएमएस आईआरएमएस फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलो वीआरएमएस सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, दैट इज आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो हम यहां पर लिख लेंगे देयरफॉर वीआरएमएस, देखो अब हमें वीआरएमएस फाइंड आउट करना है और अब वीआरएमएस आप आसानी से निकाल सकते हैं, फार्मूला है वीएम बाय रूट टू, ठीक है, बस आपको वीएम का वैल्यू यहां पे पुट करना है। तो हम वीएम का वैल्यू लिख लेंगे कितना है, दैट इज 325, तो हम लिख लेंगे 325 बाय रूट टू, ठीक है, बस इसको कैलकुलेटर में पुट करो तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा 229.809, तो हम लिख लेंगे 229.809 वोल्ट। तो फाइनली हमने वीआरएमएस यानी आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज हमने ये फाइंड आउट कर लिए, ठीक है, और अब हम IRMS फाइंड आउट कर लेंगे, उसके लिए हम IM का यूज करने वाले हैं। तो चलो अब यहां पे IRMS फाइंड आउट कर लेंगे एंड हम यहां लिख लेंगे एंड IRMS इज इक्वल टू IM बाय रूट टू, ठीक है, तो ये हमने फार्मूला लिख लिए IM बाय रूट टू और IM का वैल्यू हमने यहां से निकाले थे कितना 7 एम्पियर, तो बस IM की जगह यहां 7 लिख लो, तो हम लिख लेंगे 7 बाय रूट टू, ठीक है, बस इसको कैलकुलेटर में पुट करो तो हमें IRMS मिल जाएगा। तो इसका आंसर आएगा दैट इज 4.949, तो हम यहां लिख लेंगे 4.949 एम्पियर। तो ये हमें IRMS मिल गया, इसका मतलब RMS वैल्यू ऑफ करंट हमें मिल चुका है। तो यहां तक तो हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ है, प्रॉब्लम में और कुछ फाइंड आउट करने के लिए कहा था, तो सबसे पहले VRMS IRMS फाइंड आउट करने के लिए कहा था, वो हमने फाइंड आउट कर लिया और अब इसके बाद क्या निकालना है, जेड दैट इज इंपीडेंस जेड हमें फाइंड आउट करना है। अब इसके लिए फार्मूला यूज क्या करना है, तो फार्मूला काफी सिंपल है, उसके लिए आपको करंट का फार्मूला पता होना चाहिए। करंट का फार्मूला हमने इसके पहले लिख के दिए थे, देखो करंट का ये फार्मूला था दैट इज आई इक्वल्स टू वी बाय जेड। देखो ये फार्मूले का यूज करके आप आसानी से जेड यानी इंपीडेंस निकाल सकते हैं। अब ये तो करंट का फार्मूला है, अब यहां से जेड कैसे निकालेंगे, तो अगर आई इक्वल्स टू वी बाय जेड है
तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहां पे z इज इक्वल टू v बाय i हो जाएगा। ठीक है, काफी आसान। ये z को इधर लेके आओ, i को इधर लेके चले जाओ, तो z इज इक्वल टू v बाय i का फार्मूला यहां से बन जाएगा। तो ये कंफर्म है। तो चलो z अब यही फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे। लेकिन आपके मन में आएगा कि z इज इक्वल टू v बाय i तो है ओके, लेकिन यहां पे v यानी वोल्टेज और करंट कौन सा यूज करना है, यानी आरएमएस वैल्यू वाला यूज करना है या मैक्सिमम वैल्यू वाला यूज करना है, क्योंकि v आरएमएस अलग है और vm अलग है। तो आपके मन में आएगा कि वी आर एम एस यूज करेंगे तो अलग आंसर आएगा और वी एम यूज करेंगे तो अलग आंसर आएगा, ऐसा नहीं है। आप दोनों में से कोई भी एक का यूज करो, आंसर एक ही आता है। ठीक है, चलो हम एक काम करते हैं, हम जेड आपको दोनों तरह से सॉल्व करके बताते हैं, दोनों से आंसर एक ही आएगा। तो ये हम यहां लिख लेंगे, इंपीडेंस इंपीडेंस जेड फाइंड आउट जो करना है, इंपीडेंस जेड इक्वल्स टू वी बाय आई। तो ये हमने फॉर्मूला यहां लिख लिए, Z इक्वल टू वी बाय आई, और यहां पे हम आपको दोनों तरह से सॉल्व करके बता रहे, तो ये हम यहां लिख लेंगे, Z इज इक्वल टू वी आर एम एस बाय आई आर एम एस। हम आपको आर एम एस वैल्यूज का यूज करके भी फाइंड आउट करके बताएंगे और मैक्सिमम वैल्यूज का भी यूज करके फाइंड आउट करके बताएंगे। ये देखिए, ये हमने दोनों फार्मूले लिखे हैं। एग्जाम में अगर इस टाइप का प्रॉब्लम आता है तो आपको दोनों फार्मूले यूज नहीं करना है, कोई भी एक फार्मूला यूज करना है। ठीक है, फिलहाल हम आपको यहां दो फार्मूले इसके थ्रू सॉल्व करके बता रहे, वी आर एम एस बाय आई आर एम एस। तो वी आर एम एस हमने फाइंड आउट किए थे, दैट इज 229, हम लिख लेंगे 229.80 दैट इज 9, और आई आर एम एस दैट इज 4.949। ठीक है, तो इसके थ्रू इसका आंसर आएगा, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका आंसर आएगा दैट इज 46.435, हम लिख लेंगे 46.435, और इसका यूनिट रहेगा ओहम, क्योंकि ये इंपीडेंस है दैट इज जेड। तो ये तो हमने फाइंड आउट कर लिए इंपीडेंस आरएमएस वैल्यूज का यूज करके। अब आपको मैक्सिमम वैल्यूज का यूज करके फाइंड आउट करके बताते हैं, आंसर देखना लगभग अप्रोक्सीमेटली वही आता है। तो वी एम है 325 और आई एम है 7। देखो वी एम और आई एम ये हमने यहाँ पे फाइंड आउट किए थे, बस हमें उसका यूज करना है। तो इसके थ्रू इसका आंसर आएगा दैट इज 46.428। तो हम यहाँ लिख लेंगे जेड इज इक्वल टू 46.428 ओहम। ये जो है एग्जैक्टली आंसर नहीं आएगा, ये अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा, वो इसीलिए क्योंकि इसके पहले जो हमने वी आर एम एस आई आर एम एस का वैल्यू उसका जो यूज किया है उसमें पॉइंट्स है। देखो 0.809, अब 9 के बाद भी कुछ ना कुछ पॉइंट्स होते हैं, 4.949 के बाद भी कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो पॉइंट्स यहाँ पे यूज नहीं किए, हमने सिर्फ पॉइंट के बाद थ्री टर्म्स यहाँ पे लिए हैं, उसके वजह से ये आंसर आया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अप्रोक्सीमेटली सेम माना जाता है। तो फाइनली इंपीडेंस यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिए। एग्जाम में जैसा हमने कहा आपको दोनों फार्मूलेज यूज करके फाइंड आउट नहीं करना है, कोई भी एक फार्मूले के थ्रू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये हमने इंपीडेंस जेड फाइंड आउट कर लिए जो क्वेश्चन में लिखा था उसके अकॉर्डिंग, और लेकिन प्रॉब्लम अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, फेज एंगल। क्वेश्चन में लिखा था फेज एंगल, लेकिन फेज एंगल ऐसा नहीं लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है पावर फैक्टर एंगल। तो पावर फैक्टर एंगल यानी ही फेज एंगल जो कि फाई होता है, और ये हमें ऑलरेडी पता है। देखो जब हमने करंट की इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ जब कंपेयर किए थे तो फाई हमें मिल चुका है यहाँ पे 63 डिग्री। यहाँ पे फाई का वैल्यू ऑलरेडी दिया है, इसका मतलब फेज एंगल ऑलरेडी दिया है, पावर फैक्टर एंगल ऑलरेडी दिया है, बस वो हमें यहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ पे बस हम लिख लेंगे पावर फैक्टर एंगल, पावर फैक्टर एंगल दैट इज इक्वल्स टू फाई, और ये दिया है 63 डिग्री। तो फाइनली हमने पावर फैक्टर एंगल भी यहाँ पे लिख लिए, लेकिन प्रॉब्लम अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। क्वेश्चन में जो कुछ भी कहा था वो सब कुछ हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए, लेकिन क्वेश्चन के लास्ट में देखो क्या लिखा है। क्वेश्चन के लास्ट में लिखा था कि कमेंट वेदर द करंट इज लैगिंग और लीडिंग विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज, यानी ये जो गिवन करंट है ये वोल्टेज को लीड कर रहा है या लैग कर रहा है, वो हमें कमेंट करके यहाँ पे बताना था। देखो ये जो करंट दिया है उसमें करंट का जो एंगल है वो प्लस में है, देखो यहाँ पे लिखा है प्लस 63 डिग्री, और ये हमने आपको ऑलरेडी बता दिए थे कि प्लस दैट इज पॉजिटिव साइन स्टैंड्स फॉर लीडिंग, ठीक है, लीडिंग करंट, एंड नेगेटिव साइन स्टैंड्स फॉर लैगिंग करंट। यहाँ पे देखो यहाँ पे प्लस माइनस था, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस माइनस है, प्लस यानी लीडिंग, माइनस यानी लैगिंग, ठीक है। तो और यहाँ पे जो फेज एंगल फाई है उसके सामने प्लस है, इसका मतलब ये है कि करंट वोल्टेज को लीड कर रहा है, ये कंफर्म हो चुका है। अगर करंट वोल्टेज को लीड कर रहा है तो हम बस यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख लेंगे। तो फाइनली हमने स्टेटमेंट में यहां लिख लिया है, सिंस द गिवन फेज एंगल 63 डिग्री इज पॉजिटिव, देयरफॉर करंट इज लीडिंग द वोल्टेज बाय 63 डिग्री। ठीक है,
जैसा हमने कहा था, ये कंफर्म करना काफी आसान है कि करंट लीड कर रहा है या लैग कर रहा है। उसके लिए आपको करंट का फेज एंगल चेक करना है कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर करंट का फेज एंगल पॉजिटिव है तो करंट वोल्टेज को लीड करेगा, ऐसा लिखना है। और अगर करंट का फेज एंगल निगेटिव है तो करंट जो है वो वोल्टेज को लैग करेगा, ये आपको स्टेटमेंट में लिखना है। तो फाइनली क्वेश्चन में जो कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो सब कुछ हमने फाइंड आउट कर लिए और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता है कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था एसी सर्किट ये यूनिट का आज का लेक्चर नंबर 8। इसके पहले के लेक्चर्स में हमने एसी सर्किट के जो भी बेसिक्स लिए थे वो सभी वीडियोस आपको देख लेना चाहिए, उससे आपका एसी सर्किट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके कुछ नए प्रॉब्लम्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।